ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द लाहौर टेलीविजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू नाइन्थ जनरल साइंस क्लास। बेटा नाइन्थ जनरल साइंस पेज नंबर है आपके पास फोर, ह्यूमन हेल्थ का चैप्टर है। पेज नंबर है आपके पास 42, पेज नंबर है सॉरी 42। और बेटा जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो फैट सॉल्युबल विटामिन में से विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के जो है बेटा वो हमें डिस्कस करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने विटामिन ए को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था, आज देखते हैं विटामिन डी। तो बेटा जो विटामिन डी है आपके पास, इसका जो सबसे जो चीपेस्ट सोर्स है, जो सबसे सस्ता सोर्स है जहाँ से हम विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं, वो है आपके पास बेटा सन। ठीक है, सूरज से जो है हम विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं। अब ह्यूमन की स्किन पे जब विटामिन जब सूरज की रेज पड़ती हैं तो बेटा हमारी स्किन में ये एबिलिटी है कि वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड को विटामिन डी में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, इट मे बी ऑब्टेन। हाँ, इसके अलावा इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, फिश लीवर ऑयल हो सकता है, मिल्क, बटर, क्रीम, एग योक एक्सेट्रा। अब बेटा अगर ये जो है बहुत ज़रूरी है इसकी जो है प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होना। ठीक है, किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन अवर बॉडी। इट डेफिशिएंसी रिजल्ट इन सॉफ्टनिंग, वीकनिंग एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन्स। अगर ये प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा, आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, वीकनिंग एंड आपकी जो हड्डियाँ वो कमज़ोर हो जाएंगी। बच्चों में रिकेट्स की बीमारियाँ काज करता है और एडल्ट्स में बेटा ये ऑस्टियोमलेशिया। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आपके पास विटामिन डी। सबसे पहले देखते हैं इसके सोर्सेज। इसका जो चीपेस्ट सोर्स है, जो सबसे सस्ता सोर्स है, चीपेस्ट सोर्स इज सनलाइट। ठीक है, अब बेटा अवर स्किन हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस इनटू विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है कि बेटा सनलाइट की, जब आपकी स्किन पे सनलाइट पड़ेगी तो आपकी स्किन में स्पेसिफिक कंपाउंड प्रेजेंट है, जब उस पे सनलाइट फॉल करेगी तो वो जो कंपाउंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन डी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके और सोर्सेज क्या क्या है बेटा आपके पास, फिश। ठीक है, और इसी तरह से आएंगे बेटा आपके पास फिश लीवर ऑयल, मिल्क, बटर, क्रीम एंड एग योक। फिश लीवर ऑयल, मिल्क, बटर, क्रीम एंड एग योक, अंडे की जर्दी। ठीक है, इन सब चीज़ों में बेटा क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, विटामिन डी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पे। ठीक है, बोन फॉर्मेशन इट इज फंक्शन या इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट इन बोन फॉर्मेशन, इट इज इम्पोर्टेंट हड्डियों के बनने में, बोन फॉर्मेशन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो हड्डियों के बनाने में और दूसरा जो है आपकी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर, चलें। अब बेटा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं बेटा इसकी डेफिशिएंसी को, डेफिशिएंसी। अच्छा, डेफिशिएंसी से क्या होगा कि वीकनिंग
वीकनिंग ऑफ बोन्स, आपकी जो हड्डियां हैं वो सही से काम नहीं कर पाएंगी, वो वीक हो जाएंगी। डिफॉर्मिटीज, डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है बेटा उनका जो स्ट्रक्चर है हड्डियों का वो उसमें किसी ना किसी तरह कोई एबनॉर्मैलिटी आ जाना, डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन। इसके अलावा बेटा डिसबैलेंस, डिसबैलेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डिजीजेज पे कि अगर इसकी डेफिशिएंसी से बेटा आपके पास कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो चिल्ड्रन में होती है रिकेट्स, चिल्ड्रन में एक रिकेट्स बेटा एक डिजीज है वो होती है। और अडल्ट्स की अगर बात करें तो अडल्ट्स में आपके पास एक डिजीज है ओस्टियो मलेशिया, ठीक है। ये डिजीज यहाँ पे क्या होती है, कॉज होती है। दिस इज ऑल अबाउट दी विटामिन डी। क्लियर, दोबारा से देखें आपके पास जो विटामिन डी है इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे चीप सोर्स है आपके पास वो है विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स है सन, सूरज की जो लाइट्स हैं जब आपकी स्किन पे पड़ती हैं तो आपकी बॉडी में एक सब्सटेंस है जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन डी में। इसमें कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। इस तरह से इसके जो और सोर्सेज हैं आपके पास वो हैं फिश लिवर ऑयल, मिल्क, बटर क्रीम, एबियोक। फंक्शन की बात करें तो ये बेटा बोन फॉर्मेशन में और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर, चलें नेक्स्ट आती है आपके पास इसकी डेफिशिएंसी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो आपकी जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगी, बोन्स में डिफरेंट तरह की एबनॉर्मैलिटीज आ जाएंगी। जो डिजीज की अगर बात करें तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दो डिजीज बेटा जो ये कॉज करता है, ठीक है। बच्चों में रिकेट्स और जो बड़े हैं अडल्ट्स हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में बेटा आपकी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, उनके फ्रैक्चर होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है विटामिन ई। अब अगर विटामिन डी को देखें कि जो विटामिन डी है आपके पास डी को ई, दिस विटामिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सीड, वीट एंड एग, ठीक है। सोर्सेस सीड्स, वीट, एग, सीड्स, वीट, एग एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये आगे इसके आपके पास इंपॉर्टेंट सोर्सेस। सोर्सेज के बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इन द ब्लड लीड्स टू सीरियस मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर, ठीक है। आते हैं जी इसकी डेफिशिएंसी पे। डेफिशिएंसी इन ब्लड लीड्स टू सीरियस मस्कुलर, मसल्स की बीमारियां, मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसके अलावा बेटा यही जो आपके पास विटामिन ई है ये इनफर्टिलिटी, अगर इसकी जो प्रॉपर अमाउंट आपकी बॉडी मेल्स में प्रेजेंट या फीमेल्स में प्रेजेंट ना हो, यूजुअली जो विटामिन ई है इसकी डेफिशिएंसी है वो मेल्स में इनफर्टिलिटी कॉज करती है, इन फर्टिलिटी, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट आ रहा है आपके पास विटामिन के। चलें विटामिन के को डिस्कस करते हैं। विटामिन के इज ऑब्टेन फ्रॉम स्पेनिश एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। सोर्सेज पहले देख लेते हैं कहां कहां से ये हासिल होता है। तो स्पेनिश लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स,
दूसरा इसके अलावा बेटा इसकी जो छोटी सी अमाउंट है वो आपके पास जो है वो मीट में भी प्रेजेंट होती है, मीट गोश्त में भी इसकी जो छोटी सी अमाउंट है वो प्रेजेंट होती है। दिस विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। इसके फंक्शन की बात करें तो ये जो विटामिन है आपके पास इट इज इम्पॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग खून के जमने के लिए ये जो विटामिन है ये आपकी बॉडी में क्या होता है बेटा जी, जरूरी होता है। आज के लेक्चर में बेटा हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स में से जो तीन विटामिन्स हैं विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन जो के हैं बेटा वो हमने डिस्कस किए हैं, उनके सोर्सेस, उनके फंक्शन और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स और कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं वो भी हमने डिटेल में देखा है। ठीक है, ओवरऑल ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं या बेटा इनमें से कोई जो ए वन बाय वन जो आपके पास विटामिन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विटामिन डी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विटामिन के। ठीक है, व्हाट डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी, इस तरह से आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये जो टॉपिक है ये आपसे पूछा जा सकता है। आज के लिए बेटा जी इतना ही, अल्लाह हाफिज़। क्या कितने मिनट